नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक क्लब में। आज आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने जो कुंडली निकाली है वो श्री अमिताभ बच्चन जी की है, जो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे नामचीन लोगों में से एक है। अब यहाँ पर इनके कुंडली के अनुसार क्या ऐसा ग्रहों का इफेक्ट है या ग्रहों की स्थिति है जिस वजह से उनके जीवन में इतनी ज्यादा जो है ख्याति है, नेम फेम पैसा हर तरह से चीजें जो है जैसा उन्होंने अपने लाइफ में सोचा वैसा उनको मिलता चला गया। तो डेट ऑफ बर्थ उनका है 11 अक्टूबर 1942, 16 यानी शाम के 4 बजे, जन्म स्थान है इलाहाबाद। तो लग्न जो है वो है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न में ही केतु विराजमान है। कुंभ लग्न नॉर्मली कुंभ लग्न लोगों की जो काया होती है ना, शरीर का जो गठन होता है वो लंबा ही होता है, हाइट जो है अपने घर में ऐसे लोग, अगर इनके घर में जो भी इनके भाई बहन हैं या रिश्तेदार हैं उनमें इनकी हाइट जो है सबसे ज्यादा होती है, और ऐसे लोगों की जो स्थिति जो भी होती है वो थोड़े से एयर एलिमेंट वाले होते हैं, वायु तत्व होने के कारण, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व है, इस वजह से इनके अंदर एयर एलिमेंट ज्यादा होता है। ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, ऐसे लोग हर बात को बहुत बारीकी से, हर एक छोटे छोटे चीज पे बहुत पारखी नजर रखते हैं। प्लस ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो वैसे देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टिव होती है, उनका जो शरीर का गठन होता है वो बहुत स्लिम होता है, और वैसे केतु अगर लग्न में हो तो स्लिम बॉडी ही देता है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग फैट गेन नहीं करते अपने बॉडी में। लेकिन केतु की स्थिति यहाँ पर ऐसी है 10 डिग्री की, सत्वविशा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है, तो स्थिति है ऐसी कि ये लग्न में रहते हुए व्यक्ति को सजग भी बनाते हैं और लग्न में रहते हुए इनको थोड़े से शारीरिक रूप से रुग्ण भी बनाते हैं, यानी ऐसे लोगों को कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो इनको बहुत लंबे समय तक रहती है। ठीक है, तो केतु जो है लग्न भाव में व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा रोग जरूर देता है जो जाने अनजाने में व्यक्ति को हो जाता है और वो काफी लंबे समय तक रहता है। जैसा कि इनके जीवन में ऐसी एक घटना हो चुकी है, जब इनका एक्सीडेंट हुआ था फिल्म की शूटिंग के दौरान, कूली की शूटिंग के दौरान, और इनको ब्लड ट्रांसप्लांट किया गया था, खून रक्तदान किया गया था, उसमें हेपेटाइटिस बी वाला जो है खून उनको ट्रांसफर हो गया था, जिसके बाद से इनको, इनका जो लीवर है हेपेटाइटिक लीवर है, और अभी आज के डेट में मतलब तभी से लेकर उस समय के बाद से अभी तक ये मेडिकेशन में रहते हैं। इनकी स्किन की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है बिकॉज लग्न भाव में केतु होने के कारण, और गुरु जो है इनका रुग्ण स्थान में बैठा हुआ है। इस वजह से गुरु इनकी कुंडली में एकादश भाव का स्वामी है और साथ में धन भाव का स्वामी होकर छठे भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में है, हालांकि 0 डिग्री कह सकते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा इनके वॉइस में गंभीरता डालता है, वॉइस में वजन डालता है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी होने की वजह से वॉइस क्वालिटी इनकी वैसी है जिसमें बहुत ज्यादा वजन है, बहुत ज्यादा वेट है। शुरुआत में तो इनके इस वॉइस की वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, या कई बार इनको ये फिल्में नहीं मिली, बहुत सारी फिल्में इनके वॉइस की वजह से, लेकिन बाद में जाकर यही वॉइस इनके लिए सबसे ज्यादा असरकारक हुआ और इसी वॉइस के कारण ही ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। तीसरे भाव में इनका कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव का स्वामी अष्टम में चले गए हैं, चौथे भाव का स्वामी ये भी नीच के होकर अष्टम में चले गए हैं, पंचमेश भी अष्टम में है, यानी 3, 4 और 5 इन तीनों का संबंध सातवें भाव के साथ आठवें भाव के साथ, यानी 3, 4, 5, 7, 8, 10 इतने ग्रहों का संबंध एक जगह पर बनना, यानी आठवें भाव में बनना, ये एक तरह से समझ लीजिए कि जितने भी भाव हैं
तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और दसवां भाव, ये सारे भावों के स्वामी अगर एक साथ में कहीं पर हैं तो उस जगह में काफी ज्यादा मजबूती भी मिलती है एक भाव में, दूसरे भाव में वहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि दो ग्रह जो है इनके अष्टम भाव में एक ही नक्षत्र में है और दो ग्रह दूसरे नक्षत्र में है। तो नक्षत्र के हिसाब से अगर कोई ग्रह एक साथ हो तो ऐसी स्थिति में नैसर्गिक विचार से वो लोग अधिमित्र बन जाते हैं, अगर शत्रु हो तो भी वो अधिमित्र बन जाते हैं उस समय के लिए। चौथे भाव में शनि विराजमान है जो कि लग्नेश है और द्वादशेश है, तो लग्नेश होकर चौथे भाव में रहना, चौथा भाव जनता का भी होता है, तो लग्नेश का चौथा भाव में रहना व्यक्ति को फेमस बनाता है। ये योग लता मंगेशकर जी की कुंडली में भी है, उनका वृषभ लग्न का कुंडली है, शुक्र इनके चौथे भाव में है, वृषभ लग्न की कुंडली और शुक्र चौथे भाव में यानी सूर्य के राशि में है, तो ऐसे लोगों को अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मिलता है, लोग सम्मान बहुत करते हैं। चौथा भाव चौथे भाव में हो, चौथे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में ही हो, लग्नेश अगर चौथे भाव में हो, तो ऐसे लोगों को अप्रिसिएशन जनता से बहुत मिलती है, लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं इनकी कला के वजह से हो, इनके टैलेंट की वजह से हो, इनकी हुनर के वजह से हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, अब इनके कुंडली में सातवां भाव जो है, राहु यहां बैठे हुए हैं, सातवें भाव में राहु का अर्थ मतलब पत्नी जो है इनकी डोमिनेटिंग मिलेंगी, और ये इन्होंने खुद पब्लिकली माना भी है कि घर में इनकी नहीं चलती, वैसे तो सबकी एक जैसी हालत है, घर में नहीं चलती सब लोगों की, उनके वाइफ की ज्यादा चलती है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है कि इनकी जो धर्म पत्नी होगी वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग होगी, अपना प्रभाव छोड़ने वाली होगी, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो उनके घर में भी कुछ ऐसा ही प्रभाव है। गुरु इनके छठे भाव में है तो जिस वजह से उनको लीवर से रिलेटेड इशू आ गया, ठीक है, और इनकी दृष्टि जो है द्वादश भाव में होने की वजह से इनको कई बार हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा, अभी भी जाते हैं, लगभग रेगुलर बेसिस पे चेकअप पे ही रहते हैं और उम्र भी इनके हो चुकी है। राहु इनके सप्तम भाव में है और सूर्य, बुध और मंगल और शुक्र, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे समझाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब ये चार ग्रहों का समावेश होता है या तीन ग्रहों का या पांच ग्रहों का या छह ग्रहों का समावेश होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सबसे कम डिग्री वाला जो ग्रह होता है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है या चलायमान होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। कैसे होता है, शुक्र यहां देखिए 15 डिग्री के हैं, सबसे कम डिग्री के, तो अगर आप ऐसा देखें जैसे अगर डोमिनोज का, आपने शायद बहुत सारे ऐसा वीडियो देखा होगा जहां पर डोमिनोज का जो स्क्वायर होता है उसको हम लगातार खड़ा करते हैं एक दूसरे के पीछे, तो एक को जब गिराते हैं तो बाकी का सब धीरे धीरे गिरते हुए आगे गिरते हुए चले जाते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। शुक्र के सामने मंगल देव है, मंगल देव के सामने बुध है, फिर बुध के सामने सूर्य है, तो शुक्र जो है मंगल को धक्का मारेगा, तो मंगल के अंदर शुक्र का भी गुण आ गया, मंगल जाके बुध को धक्का मारेगा तो बुध के अंदर शुक्र और मंगल दोनों के गुण चले गए, बुध जो है वो सूर्य को जाकर आगे धक्का मारेगा, तो सूर्य के पास सूर्य की अपनी प्रकृति भी है, साथ में शुक्र का नेचर भी यहाँ आ रहा है, मंगल की भी स्थिति भी आ रही है और बुध का नेचर भी आ रहा है, यानी तीनों ग्रह मिलके सूर्य को बल दे रहे हैं, तो इस वजह से सूर्य पंचमी, इस वजह से सूर्य जो है वो यहां पर नेम फेम देने का कारक भी बन गए। ठीक है, और एक अवस्था बनती है जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि उच्च का ग्रह बहुत सारी चीजों को देता है, जैसे इनकी कुंडली में बुध जो है वो उच्च का है, हालांकि वक्री है लेकिन स्वराशि में अपनी ही राशि में होने की वजह से और उच्चतम अवस्था में होने की वजह से यहां पर किसी न किसी रूप से इनको बूस्टअप मिल ही रहा है। छठे भाव का स्वामी इनका जो
चंद्रमा है वो विराजमान हो गए हैं यहाँ पर भाग्य भाव में, भाग्येश अष्टम भाव में नीच के। अब कहेंगे यहाँ पर नीच का ग्रह भी है शुक्र, तो यहाँ पर इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से इनके इनके जीवन में इतनी ख्याति भी है, ये भी एक कारण है। दूसरा एक कारण, सूर्य को भी बाकी तीन ग्रहों का बल भी मिल रहा है, जिस वजह से सूर्य जो है यहाँ पर नेम फेम देने के कारक भी हैं, तो सूर्य को बल मिलने के कारण इनका फेम भी बढ़ा। और साथ में उच्च का बुध भी रहे, उच्च का बुध अगर रहे तो ऐसे लोग कला जगत में अपना काफी ज्यादा नाम फेम करते हैं। उसके अलावा बुध जो है दूसरे काम को भी देते हैं, जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जैसे अगर आप कला के फील्ड से हैं तो अच्छे ऐसे डांसर बनते हैं ऐसे लोग, और ऐसे अच्छे डायरेक्टर भी बनते हैं, अच्छे एक्टर भी बनते हैं, तो इनकी कुंडली में एक्टर वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग योग है। इनका दशमेश जो है ये भी अष्टम में आ गए हैं, अष्टम भाव के स्वामी दशमेश जो है अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ विराजमान। तो मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि अष्टमेश अष्टम भाव में रहे और उसमें दशमेश भी आ जाए, तो ऐसे लोग कुछ ऐसे कारनामे करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो उनको नेम फेम पैसा भी दिला देता है। थोड़ा सा रिस्क होता है लेकिन रिस्क लेकर वो आगे जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन अल्टीमेटली इनको फेम मिलता ही है। अगर दशमेश अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ विराजमान हो तो सबसे पहले ये आयु को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये व्यक्ति को सोसाइटी में समाज में काफी ऊंचा ओहदा भी देता है। लेकिन इस चीज को भी आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि नीच का ग्रह कोई फल नहीं देता, नीच का ग्रह फल देता है। शुक्र नीच का है तो इनको दो चीजों पे बहुत ज्यादा ही दिक्कत पड़ी। एक होता है कि एक बार ये साल 2000 में पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए, इनकी सारी संपत्ति डूब गई, ये नीच के शुक्र के कारण, ठीक है। और रिसेंटली अभी कुछ आपने मीडिया में काफी ज्यादा सुशांत सिंह को लेकर जो भी बनी थी केसेस और उसके पीछे जो भी स्थितियां बनी थी, तो लोगों ने इनको ट्विटर में बहुत ज्यादा ही बुरा भला कहा बिकॉज ऑफ नीच का शुक्र। तो नीच भंग होते हुए भी इनकी नीच की स्थिति का इफेक्ट इनको समय समय पर अपने जीवन में देखने को मिला है। उस समय इनकी हालत ऐसी थी कि अगर ये थोड़ा सा भी छोटा सा भी एक ट्वीट अगर करें तो सारे लोग इनके ट्विटर में इनको पूरी तरह से धो देते थे, इनके बात का बतंगड़ बना देते थे और पता नहीं क्या क्या कहते थे। आप खुद इनका ट्विटर पीछे चेक करके देख सकते हैं। तो ये देता है नीच का शुक्र, लोग इनको मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं, गलत मानने लग जाते हैं। एकादशेश छठे भाव में रहना ये अपने आप में एक कंपटीशन को दिखाता है कि ये बहुत, इन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन एक्टर तो इनके टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन था, बड़े बड़े एक्टर थे, उनको बीट करते हुए उनको पीछे करते हुए ये धीरे 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 अपना काम लगातार करते रहे और आगे बढ़ के अपना एक ओहदा बनाया। द्वादशेश शनि जो लग्नेश भी है ये चौथे भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में इनका घर इनके जन्म स्थान से काफी ज्यादा दूर बना, क्योंकि अगर द्वादशेश आके चौथे भाव में बैठे और चौथे भाव का स्वामी अष्टम में जाए तो ऐसी स्थिति में घर काफी ज्यादा दूर बनता है, जन्म स्थान से काफी दूर। तो इलाहाबाद में जन्म है और इनका घर है मुंबई में, तो ये भी मैंने कई वीडियोस में बताई है। तो आज का जो मूल विषय ये था कि उच्च का ग्रह जिस तरह से अच्छे फल देता है, नीच का ग्रह भी उसी हिसाब से कड़वे फल भी देता है। अब दोनों को अच्छे से मैनेज करके चलना ही व्यक्ति के जीवन का ध्येय है। तो इनके जीवन में जब भी जो भी उतार चढ़ाव आया है, इन्होंने अपना धीरज नहीं खोया और बहुत शांत रहकर बहुत ही स्थिरता के साथ ये अपने जीवन में आगे बढ़ते गए हैं और अभी भी बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी देखिए कि आपके कुंडली में भी इस तरह के नेम फेम के योग बनते हैं या नहीं। अगर बनते हैं तो भैया आप भी फेमस हो सकते हैं, फेम आपके लाइफ में आएगा।
चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन फेम आएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।